भारत के इतिहास में पहली बार दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गए हैं। कोयलांचल में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा और उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आज जिला कांग्रेस ने किया। आपको बता दें कि अपने आवासीय कार्यालय में आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया और जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार आज कोरोना महामारी के संकट काल में पूरा देश जूझ रहा है, कई लोगों का रोजगार चला गया, व्यापारियों का व्यवसाय मंदा हो गया, 2 महीने के बाद खुला, उसके बाद भी मंदी के कगार पर है, सभी प्राइवेट कल कारखाने कितने बंद हो गए, आज लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। आज स्थिति है कि दैनिक रोजमर्रा के जीवन में उनको कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए मोदी की सरकार जो चुनाव से पहले बहुत ही पेट्रोल में डीजल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारा पर यह सरकार आई थी, आज देख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्रकार क्रूड का दाम नीचे चला गया, आज स्थिति ये बनी कि माइनस में भी प्राइस चला गया, लेकिन उसके बावजूद मोदी की सरकार 13 रुपया का सेस और 11 रुपया का सेस डीजल और पेट्रोल पे लगा करके जिस प्रकार जनता के लाभ को उन्होंने अपने पॉकेट भरने का, जेब भरने का काम किया, और आज स्थिति देख लीजिए कि आज 18वां दिन है लगातार पेट्रोलियम कंपनियां डीजल की दाम और पेट्रोल की दाम बढ़ा रही है। आज स्थिति ये आ गया कि डीजल और पेट्रोल ये दोनों में आज कंपटीशन चल रहा है, आज डीजल ऊपर चला गया पेट्रोल से, ये 73 साल में पहला बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से ऊपर बिक रहा है, लेकिन आज देख लीजिए स्थिति ये है कि आज गरीब का मार पड़ेगा इसका, इसकी महंगाई बढ़ेगी, साथ साथ में जो किसानों का खेती करने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है, सारा का सारा चीज़ आज महंगा हो जाएगा, इसका मार सीधे जनता को पड़ेगा। एक तो पहले से कोरोना संकट काल में देश की जनता जूझ रही है, स्थिति है कि अब आए दिन देखिए कि आज रोज पेपर समाचार पत्र खोलते हैं तो कहीं ना कहीं 2-4 आत्महत्या की घटनाएँ सामने आती है, तो लोग मजबूर हैं अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार, मोदी की विषम सरकार, जो कि जिस समय पेट्रोल डीजल का दाम पिछले सरकार में हमारा, हम जो आपको डिस्प्ले कार्ड दिखा रहे हैं इसमें देखिए कि हमारे यूपीए काल में $107 बैरल होने के बावजूद भी हम लोगों ने 70 रुपया के करीब में पेट्रोल बेचा और 60 रुपया के नीचे हम लोगों ने पेट्रोल डीजल बेचा, लेकिन आज ये स्थिति है कि $42 आज का रेट है, $42 के आसपास में, जिसमें कि 80 रुपया डीजल पेट्रोल बिक रहा है और लगभग 80 रुपया के पास में डीजल ही पहुँच गया है। तो ये बताना पड़ेगा कि जो कल तक चाहे स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो और खुद मोदी जी जिस प्रकार सड़क पर आकर के कहते थे कि ये सरकार को दाम वापस लेना चाहिए, ये सरकार चलाने के योग्य नहीं है, इसको इस्तीफा देना चाहिए, आज हम लोग कहते हैं कि आपकी वो बातें को याद करें और जनता को इसकी राहत दें, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी आज हम लॉकडाउन में असांकेतिक और हड़ताल कर रहे हैं, काला मास्क लगा करके हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले दिन में इनको जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि आज जनता के पेट पर लात कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अब कांग्रेस पार्टी भी नहीं बर्दाश्त करेगी जिस प्रकार देश का इन्होंने हालात पैदा कर दिया है। आज देश में हर क्षेत्र में देख लीजिए आज संकट से देश गुजर रहा है, और मोदी सरकार इस पूरी भाजपा की गुनबा जो है हर गलत काम को सही साबित करने में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि मोदी जी अब भी जाग जाइए और जनता को जिस वादों पर आप आए थे, आज पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी आपने जो 13 और 12 रुपया बढ़ाया है उसको वापस लीजिए ताकि जनता को